दोस्तों अस्सलाम वालेकुम ताके भलीकार चो था ने स्ट्रीम में मुसा गड वीडियो लिंक ते ता दिसी सकदा मुश्ताक राजपर साहब आ मुश्ताक राजपर के सिंध जे अंदर तमाम घणा दोस्त ए टीवी ए पॉलिटिक्स आ ताल्लुक रखंदर दोस्त जे के न वो सुलाण था पर जे के असा नवा दोस्त हन उनन जे लाए मा मुश्ताक जे तारुफ कराया तो मुश्ताक जर्नलिस्ट भी आहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आहे एनालिस्ट भी आहे हन वक्त अमेरिका में रहे थो अमेरिका जे शहर वाशिंगटन में रहे थो अज अस मुश्ताक का अमेरिका के अंदर जी इलेक्शन थे पी उन गाराइंदे खास तौर से प्रोग्राम का पैरों मुश्ताक के जी चवा पे तो पाकिस्तान में वेठे असा के इंप्रेशन यो लगे तो जड़ो अमेरिकन सोसाइटी एक अड़ी सोसाइटी हुए जिते जमहूरियत अजा इब्तदाई डाकन हुए पार्टी जैसे हारण जो खदशो या खौफ हो थ्रेट्स इस्तेमाल कर धमकिन वारा बयान जारी करे तो जेकर ऐसा हारा से तो घट न थी इन टाइप मामलो जो असा के सदर ट्रंप जे कैंप में जो वो नजर अचे तो मुख्य ढी मुझे ला इंटरेस्टिंग किस्म की गाल दुनिया जहान में जिते फ्री एंड फेयर इलेक्शन की गाल थे थी जिन मुल्क में उन मुल्क में जो सरे फहरिस्त मुल्क अचन था उनमें अमरीका यकीन जो वो शामिल आ अमेरिका के अंदर यह सूरताल क्यों पैदा थी है घना मानू यो खदशो भी जाहिर था कन अमेरिका में हथियार रखण जो आम है उनकी इजाजत होजे थी अड़ी खबरों भी असा इतने मिलन पे तो मानून में जो उ हथियार जमा कर शुरू थे जानू उ हथियार जमा कन था तो क्या अड़ी सिचुएशन पैदा थे जैमें रिटेलिएट कर दिफा कर तो तुम महसूस कर सको था अमेरिका जड़ी सोसाइटी में केड़ी खतरनाक किस्म की सूरत थी सके थी एकड़ो यो एस्पेक्ट है जो मुश्ताक का समझदासी बो यो भी है तो अमेरिका दुनिया जो लट सरदार रो है मोस्ट पावरफुल मुल्क है इन वक्त भी जंगी एतबार का अमेरिका जो मैच को दुनिया में उनका अलावा जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है अमेरिका की वह भी इन वक्त फिलहाल अनचैलेंजेबल है इन किस्म जो मुल्क जो इन पॉइंट से बीठो हो अंदाजो कर सको था उनका इम्पैक्ट सारी दुनिया से कड़ा पैज सकन था मुश्ताक उत मौजूद है सारी सूरताल के बेहतर चंगे नमूने से समझे तो मुश्ताक तारी वही टाइम दिनों पहली गाल जै इम्प्रेशन की गाल क्या तो इतने वेठे पाकिस्तान में या कराची में वेठो आया यो इम्प्रेशन उते भी आहे या असा हेडो सारो हजारे किलोमीटर परते बैठा हूं तेजे कर ये महसूस होते आई थिंक खौफ ता है दैट फियर जो को आहे वो मौजूद आहे कल बिकड़े मुझे मुझे गाल पे थी इकड़े अंग्रेज सा स्टारबक्स कॉफी ते बैठा सी अखबार में पढ़ी थी कचरी पे थी त उन भी चयो सिविल वॉर न थे मोचो सिविल वॉर छो थी दी दैट्स टू मच एडो छो पे सोची पर ट्रंप में जो डेमोक्रेट्स की बेजारी आ जेका डिसलाइकिंग का वधिक काफ़ी मूँ जो चवन दे लाइक दे हेट हिम यू नो तो वो एडो इंटॉलरेबल थी पो डेमोक्रेट्स ला तमाम घर मान ला उनके करे ये एक्सट्रीम जो कंक्लूजन्स अचन था पाया उनके करे बाकी वेपन्स बिल्कुल अमेरिका में आहिन सेकंड अमेंडमेंट जो है अंडर द लॉ है हर मूँ हक है हथियार रखने जो बल्कि इतने वर्जीनिया में एकड़ो लॉ पे पास थे तो भाई तुम महीने में एकड़ो हथियार वो यू नो उन भी गोड़ आ भाई छो अस रोज वही सकूँ था यू नो सो या इवन जो रेड फ्लैग लॉज आने की कोशिश कन पाया तो भाई जिन मान जहाँ माजी में के अड़ा के प्रॉब्लम्स आन डोमेस्टिक वायलेंस में मुलवस आन या यू नो साबिक क्रिमिनल रहा है तो अड़ा जो भी रेड फ्लैग या कैंकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है तो उन बैन हुजन खपे यू नो जो थी बैकग्राउंड चेक थो इवन ड्राइविंग लाइसेंस ला वो तुम बैकग्राउंड चेक तो वेपन वा बैकग्राउंड चेक छो न हुजन खपे पर वो लॉ अ इतने पास को लॉबीज हैं वो ढी स्ट्रॉन्ग हैं एन आर ए जी वही नेशनल राइफल एसोसिएशन है वही पार्टी वरी वही फंडिंग वह कहती है सो ये फैक्ट्स हैं तो मान हथियार एकड़ो जो मस जो गैर यकीनी है इलेक्शन के हवाले से वह एक पाकिस्तान वांगे एकड़ी का सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को जहाँ सजे मुल्क जो रिजल्ट कठियो कर अनाउंस करें इतने ही को इतने हर स्टेट जो है इलेक्शन जो है वह कैरी आउट कंदी है कंडक्ट कंदी है अनाउंस कंदी है लॉज जो इलेक्टोरल लॉज चो बैलेट पेपर चो बैलेट एंड ईमेल चो इन पर्सन वोटिंग जो अर्ली थे थी
उहा वेरी थी करे स्टेट टू स्टेट। हाँ एक कंसर्न जो है वो बेसिकली पेंसिल्वेनिया के हवा से है, तो उते जो है बैलट जैसे इलेक्शन का 7 दिन पहुंचे तो वो काउंट थी। उते पहरी वोट काउंट ना उन्होंने कास्ट थे जो मेल इन थे वो बाद में काउंट थन्दा या जो पिया इंदा इलेक्शन के बेड़ी से टे ढी तो उ काउंट थन्दा तो जो गैर यकीनी सूरत हाल वह यहाँ है तो भाई जैसे समूर स्टेट जहाँ रिजल्ट अची व्या पेंसिल्वेनिया की ना आई रिजल्ट उन्हें बुनियाद से फर्ज कर ट्रंप वोट खड़े तो वो तो डिक्लेयर कह पा के भाई आम द प्रेसिडेंट। हाँ जो स्पीच नो करे एक्सेप्ट न करे पान के डिक्लेयर करे तो हाउ कैन यू स्टॉप हिम यू नो पॉलिटिकली मॉरली इट कैन बी रॉन्ग पर हू केयर्स यू नो इट्स ट्रंप। सो एक यो गैर यकीनी जो आंसर है मौजूद है पर मुझे ख्याल में सूरत इन तरफ नवींदी इन करे नवींदी जो जो भी पंज छह बैटल ग्राउंड समझू वन थी डिटरमाइन क्यों इलेक्शन जो आउटकम उते सूरत हाल ट्रंप की ढी खिलाफ है। अज भी जो पोल्स आया संडे से इंटरेस्टिंगली अमेरिका में जी मोस्ट पॉपुलर टॉक शोज हूँ वो सब संडे से ढी हूँ पाकिस्तान में हालांकि संडे से टॉक शोज को सब ढी इत मोस्ट पॉपुलर मोस्ट वॉच टॉक शोज मोस्टली संडे से पूरे हफ्ते जो हर वीकली अचन था इलेक्शन का पहले। सो अज जो सुबह जो आया पोल्स उनमें ये पंज ही स्टेट्स एरिजोना विस्कॉन्सन मिशिगन फ्लोरिडा पेंसिल्वेनिया उन पंजन स्टेट्स में एकड़ी में भी ट्रंप लीड को करे ही लूजिंग बिग ही इज लूजिंग नॉट ओनली लूजिंग बट ही लूजिंग वेरी बिग पॉइंट दफे इलेक्शन खटी हुई 10,000 वोट आई विस्कॉन्सन में 13,000 15,000 वोट 22,000 वोट आई मिशिगन में 43,000 वोट आई पेंसिल्वेनिया में ट्रंप सदर थो 73,000 वोटन के करे दफे जो वोट कास्ट थे हुआ 127 मिलियन इन दफे 91 मिलियन वोट अज तीन कास्ट थी चुका है। अच्छा यस इलेक्शन अर्ली वोटिंग अर्ली बैलेटिंग यस सो इन हिसाब से यानी 65% वोट 2016 में कास्ट थे उन टोटल में 65% वोट ऑलरेडी कास्ट थी चुका है दफे एक्सपेक्ट यो पे वे 127 न 150 मिलियन मूल वोट दींदा यस प्रेसिडेंट ओबामा जो भी इलेक्शन कंपेन विड़े पो भाई मान वोट को ना वोट टर्न आउट जो हो जो ओबामा के वक्त में हो 2008 में हो 61.65 मानू बाहर को ट्रंप खटे वो। सो हाँ वो जो खौफ है तो मानू बाहर को ट्रंप खटे वो उनके करे अनप्रेसिडेंट जेका है टर्न आउट है इन दफे मतलब गुजरियल 100 सालन में एतरो टर्न आउट कोन रहयो आ पर यो या काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो को डेमोक्रेसी में होजन गुजे या जेका लीडरशिप जो मोबिलाइजेशन में होजन गुजे त जदे का हुकूमत परफॉर्म नथी करे त मानन में एकरी फ्रस्ट्रेशन हुंदी आ त असा जो ही कम न थयो ही पॉलिसी न जुड़ी हे असा जो टारगेट अचीव न थयो त असा जड़न मुल्कन में टर्न आउट जो को आ वो घट होजन जो या छड़ जो एको खदशो होजे थो पर अमेरिका में जेकने एडो टर्न आउट जो को वधियो आ त एने जो मतलब आ त अमेरिकन सोसाइटी में जेका वाइब्रेशन आ उन जो एको वडो इंपोर्टेंट इंडिकेटर नजर अचे थो दारी गाला ओबामा के असा बेते वे बुधो ता ही इज राइट इन द फील्ड लाइक घणो कुछ करे थो पर हिकड़ी गाल बुधायो त ट्रंप जे लाए जेको इनफ इज इनफ आ खास तौर ते डेमोक्रेट्स चवन था त भाई घणो थयो हाणे इन के अचण घुर्जे ही न या एडी एक्सट्रीम सूरताल यानी उते पहुंची आ जो हाणे कें भी नमूने सा वो ट्रंप जी जो जेका री इलेक्शन चाहन ही न था यो सिर्फ डेमोक्रेट्स में भी आहे या रिपब्लिकन जी जे सपोर्ट बेस में भी ये थियो आ इवन रिपब्लिकन्स भी तहां दिसो हनन जो सेनेटर हो एरिजोना मा जेफ फ्लेक रिपब्लिकन सेनेटर हो शरीफ मानू चो तो मां बियर इलेक्शन नथो बिया उन इलेक्शन त सेनेट ता विथड्रॉ करे रिटायरमेंट अनाउंस किंग उन एंडोर्स कयो आहे जो बाइडन के। ओहायो जो जॉन कैसिक जो गवर्नर हुयो जो ट्रंप से गड प्राइमरी में
प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हुयो, उन एंडोर्स किया जो बाइडन के, ठीक है। अच्छा। जॉन मैकेन जो को सेनेटर हुयो एंड जो को प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट हुयो अगेंस्ट बराक ओबामा इन 2012, उन जी पूरी फैमिली एंडोर्स किया है जो बाइडन के। कोई 12-24 का वधिक ब डजन का वधिक कांग्रेस मैन रिप्रेजेंटेटिव जो साबिक आन रिपब्लिकन उन सभी एंडोर्स किया है पेंजे जो बाइडन के। सो यो है हाने जे डेमोक्रेट्स जो जो इशू है ट्रंप सा बटरे इशू है एकरो एडो मेहनत करे वडी जाखोड़ खा पो सालन खा पो ओबामा केयर हेल्थ केयर आई हुई जेका उन आंदी ट्रंप उनके डिसमिस कर छियो खत्म कर छियो ए हियर बुआ कोर्ट में पयात उन जो मुस्तकबिल छा थिंदो यू नो। हाने हेल्थ इज बडो इशू अमेरिका में जो कनो हेल्थ जो आ जर गवर्नमेंट इंश्योरेंस नींदी गवर्नमेंट पे न कंदी फॉर द पुअर पीपल तो गरीब मानू जो इलाज कराएं इतने जहाँ नंढे में नंढी तक हॉस्पिटल में रुगो इमरजेंसी में रहो फर्ज कर 8-10 कलाक तुम 4-5 हज़ार डॉलर रुपया हाँ जो तुम इंश्योरेंस ना है गवर्नमेंट की यूनो तुम क्या सर्वाइव कर सो हेल्थ इज सिंगल मोस्ट इशू फॉर अमेरिकन पीपल या डेमोक्रेट्स जे पुठियां जेके माण्हू रैली कनि था सपोर्ट कनि था उहे अफ्रीकन हुजनि अमेरिकन हुजनि उहे या पंहिंजे स्पेनिश हुजनि या एशियंस हुजनि या इंडियंस हुजनि उनजी मेन वजह हेल्थ केयर बि हूंदी आहे। ॿियो डेमोक्रेट्स जेके आहिनि उहे रिप्रेजेंट कनि था हिकिड़े ब्रॉड कोएलिशन खे। रिपब्लिकन पार्टी इज़ 90% वाइट पार्टी, वाइट क्रिश्चन पार्टी, यू नो इवन जेके वुमेन आहिनि उहे बि मोस्टली डेमोक्रेट्स खे सपोर्ट कनि थियूं। हींअर बि जेका सर्वे आई आहे उनमें 37% वुमेन सपोर्ट जो डोनाल्ड ट्रंप एंड 63% वुमेन सपोर्ट कनि थियूं। यस उहे वाइट हुजनि या नॉन वाइट हुजनि उन फ़र्क़ु कोन्ह थो पए। सो अमेरिका जी जेका प्लूरलिस्टिक सोसाइटी आहे जेका जेका हेट्रोजीनियस सोसाइटी आहे जंहिंमें अफ्रीकन अमेरिकन्स आहिनि जंहिंमें हिस्पेनिश आहिनि जंहिंमें इंडियंस आहिनि एशियंस आहिनि उन्हनि खे रिपब्लिकन पार्टी रिफ्लेक्ट कोन थी करे उनजी रिप्रेजेंटेशन कोन्हे का। उहा रिप्रेजेंटेशन तव्हांखे मिलंदी डेमोक्रेट पार्टी में। डेमोक्रेट पार्टी इज एज अ ब्रॉड कोएलिशन ऑफ एटलीस्ट मां ॾिसंदो आहियां जेको त 5 मेजर जेके वोटिंग ब्लॉक्स आहिनि तव्हांजा तव्हांजा अफ्रीकन अमेरिकन हुजनि तव्हांजा हिस्पानिक स्पेनिश स्पीकिंग हुजनि वुमेन हुजे माइनॉरिटीज़ हुजनि एशियंस हुजनि इंडियंस हुजनि ठीकु आहे वर्कर्स हुजनि पोस्टल वर्कर्स हुजनि या इवन जेके होटलुनि में जेके कमु कनि था वर्कर्स हुजनि इन्हनि पंजनि वॾनि वोटिंग ब्लॉक्स जो हिकिड़ो कोएलिशन आहे। हाणे उन मां जेको उनखे वाइट वोट खपे वाइट अमेरिकन वोट खपे उहो हाली 25% खपे उहो 25% सां गॾिजे थो यू नो। कल्ह हिकिड़े हमराह चयो हिकु एक्सपर्ट उन चयो जेकॾहिं अॼु इलेक्शन थिए ऐं उन में रुगो वाइट अमेरिकन मैन रुगो वाइट मर्द वोट कनि त ट्रंप इज़ विनर। अच्छा अॼु बि जेकॾहिं तव्हां वोट वठो फ़क़ति अमरीकी मर्द खां वाइट खां त देर इज़ नो डाउट ट्रंप इज़ विनिंग। Okay. So Trump is, if Trump is not winning, it's because of black African Americans, Hispanics, you know, white women, progressive left, jeka America je andar aaye, and bia jeke, diso Indians jeke hain America je andar second largest immigrant group after Spanish. They are 4.2 million people, and jeke unja vote and we will like a vote in Indians ja. So they enjoy a very very important jeka unan di say ahe kuch states mein jeke nandu states hain Iowa ai ye jeke state utte jeka Indian presence hai wo thik thak hai ai it can really make a difference. Okay so you are hikri gal jeka uncertainty wale sa hai hane first karyo ta election jo result na ayo Tuesday te Wednesday te na ayo hafte mein na ayo bin hafte mein na ayo chain hafte mein na ayo ऐं ॻाल्हि हली वई सुप्रीम कोर्ट में केस हले पियो ऐं 20 जनवरी अची वई जंहिं ते ट्रांज़िशन थियणी आहे हिन सदर खे ॿिए सदर खे जेको आहे सो हैंड ओवर करिणो आहे। जेकॾहिं अमेरिका जो आइन इहो थो चवे त जेकॾहिं को बि कैंडिडेट फाइनल न थियो आहे त इलेक्शन खटी कंहिं इन दैट केस ट्रंप खे वाइट हाउस खाली करिणो पवंदो ऐं कांग्रेस जी जेका स्पीकर आहे नैन्सी पेलोसी शी विल बी प्रेसिडेंट ट्रांज़िशन जेका एक्टिंग या टेम्पररी प्रेसिडेंट थींदो उहो चेयर जेका कांग्रेस जी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जेका स्पीकर आहे उहा थींदी। सो लीगली स्पीकिंग देर इज़ अ फ्रेमवर्क त भई इन जेकॾहिं को गैप थो अचे को डिसिशन नथो थिए को कुझु बि थी थो पए त पोइ मैकेनिज़म छा हूंदो ठीकु आहे। पर हिकिड़ो एस्पेक्ट आहे उहो इहो आहे त
हाँ जैसे का पार्टी जी खास तौर से जैसे ट्रंप जी कैंप या चवे थी या रिपब्लिकन पार्टी या चवे थी तो जैसे अस हारा से घट न थी दी। जारी गाल हथियार की सूरत उत बुधाई उ क्लियर आ मू उ सिविल वॉर जो खदशो भी जाहिर कन था। इन किस्म की एमरजेंसी सिचुएशन में जैसे इन टाइप अनार्की वो खतरो पैदा थी वे तो अमेरिका में उनके फेस करने के लिए मैकेनिज्म छा है। हाँ एकड़ो जो इशू आयो ना जैसे जी जी राइट विंग जी वाइट सुपरमिस कॉम्प्रेस जिनके जिनकी ट्रंप के तू उन मजम्मत कर सो ट्रंप उन मजम्मत करने के बजाय स्टे बैक एंड स्टैंड बाय बजाय उनकी मजम्मत करने के पा हथी डी तुते हो पर बीठा हो नजर रखो तैयार रहो तैयार रहो। हाँ यो डप आए तो भाई इलेक्शन वे ढी अंगारे के ढी इलेक्शन थन्दू सुा न पर फकत एक बचो आ तो मुमकिन है मूँ जो अचन पोलिंग स्टेशन के बहार अची बीहन वो उन टेंशन क्रिएट थी सके तो पर लॉ यो है तें मूँ वोट वोटिंग वे ढी का मुदाखलत था कर सो सो जिन स्टेट्स में यो प्रॉब्लम थी सके तो मुझे ख्याल में मिशिगन इज वन ऑफ दैम उतरे ऑलरेडी जो है सो जी वाइट सुपरमिस्ट हा उन उतना की गवर्नर जी माई है ग्रेचन विटमिन उनके किडनेप करने जो प्लॉट ठा हो सोरह मूँ जी ट्रायल थे एफबीआई जो है उन्होंने अरेस्ट कर तो वो गवर्नर के किडनेप कर चाहन पा। अच्छा ये उहा ही स्टेट आ जिथे ट्रंप जो है सो उत सपोर्टर्स के गो एंड लिबरेट मिशिगन। हाँ व्हाट डू यू मीन बाय लिबरेट मिशिगन? अच्छा मिशिगन के कब्जो वही सो यू नो सो बिकॉज ही इज डेस्परेट यू नो ही डज नॉट सी ए पैथ उनके रस्तों नजर को व्हाइट हाउस में बीहर दाखिल थी सके यो सब आए। हाँ उन घणे मुल्कन में यो सिस्टम थे तो इन सिचुएशन में मिसाल सिविल सिविल पावर के एड में फौज घुराजे थी या पैरामिलिट्री ट्रूपर्स होजन था या के खास कानून होजन था इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन इफ अराइजेस देयर एनीवेयर तो उते रियासत में मुख्तलिफ कानून है या को सेंट्रलाइज कानून आ भाई एड़े किस्म जे रायट्स के या एड़ी किस्म जी सिविल स्ट्राइफ के की अबोडिज। हाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पाँचा फोर्सेस मोकिल सके थी पर जाहिर है ट्रंप न मोकिली वो तो पा चाहे तो क्योस हो डिसऑर्डर हो आई थिंक उन जे शूटिंग्स थी पी को वायलेंस पो को मू मरी पाया तो देट कुड यू नो फ्लेयर अप वो फ्लेयर अप कर सके तो पर जी अस सिंध में रेंजर्स होंगी है यू नो तो उनके मोबलाइज कर सो सागी तरह जो है प्राउंसिस में स्टेट्स में इतने सो इन एडिशन टू लोकल पुलिस जो बेसिकली होंगी है इतने पुलिस जो है काउंटी की पुलिस होंगी जिले की पुलिस होंगी स्टेट की पुलिस होंगी सो ब पुलिस स्टेट पुलिस भी होंगी है सागी तरह फेडरल गार्ड्स भी उतने मौजूद हूँ जिनके तुम मोबलाइज कर सो इन एनी एमरजेंसी जो ताज़ो मिशिगन में डैम फाटी पो हो उनके ट्रूप्स मोबलाइज थे सो ये ऑप्शन्स पे आन पर जो घो खतरो वायोलेंस जी हाँ अस वर्जीनिया एंड मेरीलैंड हाँ उत बिन्हीं कैंडिडेट्स में को कैंपेन करण को आयो ट्रंप के टकेलो आसरो को तो वर्जीनिया खटे तो या मेरीलैंड खटे तो उनके को आयो वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप रैली को करे तो उन्हें खबर आ को कटींद 92% वॉशिंगटन डीसी इज डेमोक्रेट्स 92% ठीक है ना सो अड़ी खोड़ स्टेट्स जिथे इन्हों के वन की जरूरत ही को पवे बस ना वही कह सो कैलिफोर्निया में ट्रंप छो तो फोकस उतो जिता वोट खड़ी समझन था जिते जो आम ट्विस्ट सूरताल के थोड़ी फेवर में आने आने समझे थो यानी बेसिकली मंजूर बेसिकली इलेक्शन जेका है ना सच पूछो आइन तो 50 स्टेट्स पर जेके इलेक्शन थे पेन हुआ थी 12 स्टेट्स में ओके 38 स्टेट्स द डिसाइडेड आइन उनन 38 मा 20 ट्रंप खटे पियो अच्छा 18 जेके जो बाइडन खटे पियो हाँ जेके ट्रंप स्टेट खटे पियो उन जी पॉपुलेशन घट आए उन जा जेके इलेक्टोरल कॉलेज आ 538 वोट है उन में वोट उन घट है उन के ता के नंबर तो अधिक लगंदो तो ट्रंप 20 स्टेट्स खटे पियो पर जेको उन इलेक्टोरल इलेक्ट्रल नंबर जारी गाला घट भी है आड़ा स्टेट्स जेके वो बनियो जेके वो डेमोक्रेट्स वट छो तो ऐसो ना अमेरिका में थो ये वा शहर शिकागो हो न्यूयॉर्क हो वॉशिंगटन डीसी हो सैन फ्रांसिस्को हो एलए हो ह्यूस्टन हो
यू नो को वो शहर अड़ो कोने को जो रिपब्लिकन के हथ में हो ऑल बिग सिटीज बिलोंग टू डेमोक्रेट्स फकत बहराड़ी जो इलाका जो सबर्ब्स जिते फार्म वा वा फार्म्स जिते जमींदार वडेरा वेठा गोरा जो सदन का वी वेठा वन लास्ट क्वेश्चन जो वो समझण लगा पुछा त अमेरिका आजादी के अमेरिका की इलेक्शन सारी दुनिया की नजर में हुए थी अमेरिका के इन टाइप सिचुएशन के दुनिया जान किए दिसंदो हुंदो इते बारन मानु जी अचवन हेडी सारी आ ता जी गाल बोल दिली हुंदी ता किए वतो आ इंप्रेशन त दुनिया किए थी दिसे मिसाल असा जड़ा मुल्क किए ता दिसन सारी दुनिया दिसे थी त अमेरिका हेडी सारी जमहूरियत हेडी मजबूत मिसाल मिसाल दिंदा हु होते सूरत हाल पाकिस्तान इंडिया जड़ी थे जो रियासत में फडो हो जे हाराइंदर जको आ वो उम्मीदवार छवे जो जो एक खतरो हो हारा तो भाई हारा से तो पा घट न कदी दुनिया कि आई थिंक दुनिया खिले थी पी अमेरिका से रशिया हो यूरोप हो इवन कैनेडियंस हर दे आर लॉफिंग इट यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप की लीडरशिप के करे जो सजो ढी चौवी कलाको बेचैन इंसान है जो रात बी वगे तीन वही ट्वीट्स कारी दुनिया सुती पी होंगी अमेरिका में मूल मोस्टली नाए दें वगे सुबी रहा है तू रात बी वगे कें ट्वीट्स करी जैसे मूल करी वो सुबह उठन वाई कॉन्ट यू लाइक वेट इन द मॉर्निंग यू नो मतलब उन्हें तमाशो ठा रखो दिसो जो इदारा स्टेट डिपार्टमेंट हो तरह से इंस्पेक्टर जनरल वो बरतरफ तो करे यू नो सी यानी जस्टिस डिपार्टमेंट जो नशर किया है यू नो या जो मू इंडाइट थे जिनते जिनके सजाऊँ आयू वो उन्होंने माफ तो करें प्रेसिडेंशियल पार्डन अथॉरिटी यूज करें यू नो सो ही मतलब वो इं तो बिहेव करे जो कें मुल्क जो टी दुनिया के मुल्क जो डिक्टेटर हो आमिर हो उनके आइडियल्स भी हुए तुम ऐसो अना तक इंस्पायर है वो पैं पुतिन में है वो नॉर्थ कोरिया के उनमें है यू नो आई थिंक बी वही गाल है जो इंटरफेरेंस है अमेरिकन इलेक्शन में तेरे भेरत यकीन ना तो भाई ईरान इंटरफेयर पो करे अमेरिकन इलेक्शंस में चाइना इंटरफेयर पो करे अमेरिकन इलेक्शंस में रूस इंटरफेयर पो करे यू नो रूस कोशिश पो करे तो ट्रंप के खटाए चाइना कोशिश पो करे जो सो जो बाइडन के खटाए ट्रंप जो पॉलिसीज जगह अगेंस्ट चाइना ईरान ओवरऑल अटेम्प्ट पो करे तो भाई चाइना अमेरिका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उन मानों के एतबार कें खजे कोशिश कन पाया तो जो काउंटीज जो जो वेबसाइट्स इलेक्टोर उनके हैक कन यू नो सो ये अटेम्प्ट्स थन पे बदकिस्मती से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन तरफ तवजा को दे उ रिपोर्ट्स अचन थी एफबीआई जो सी आई ए जो यू नो उन इग्नोर तो करें उन सप्रेस तो करें बल्कि वह डिबेट थे ही को आई थिंक अमेरिका में जो मुठो है जो मीडिया वाइब्रेंट है जो मीडिया आज़ाद है मीडिया में जो एक्सपर्टीज है जो वेठा मूँ जो लिंक है मीडिया जो अकेडमी से साइंस से फॉर्मर मिलिट्री जनरल्स फॉर्मर टॉप डिप्लोमेट्स तो यो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सोसाइटी जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है बीठो है घर को बैठो आई मीन दे आर देयर यू नो सो जैसे पा सिविल सोसाइटी चौं या यू नो मू चौं मुल्क के ओन कन गवर्नमेंट के ओन कन दोज पीपल आर देयर यू नो अमेरिका की यही स्ट्रेंथ मुश्ताक साहब।